अगर आपके शरीर का तापमान 104 डिग्री फारेनहाइट यानी 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है और टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो समझ ले आपको लू लग गई है। सिंपल सी बात है, इस गर्मी के सीज़न में, समर सीज़न में, आजकल जो वर्ड सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो है हीट स्ट्रोक एंड हीट वेव। तो आइए आज हम हीट स्ट्रोक और हीट वेव को ही डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कमल खोरवाल और आज की इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे हीट स्ट्रोक एंड हीट वेव, जिसे हम लू भी कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से। हीट स्ट्रोक इज द मोस्ट सीरियस हीट रिलेटेड इलनेस। इट अकर्स व्हेन द बॉडी कैन नो लॉन्गर कंट्रोल इट्स टेम्परेचर। द बॉडीज टेम्परेचर राइजेज रैपिडली, द स्वेटिंग मैकेनिज्म फेल्स एंड द बॉडी इज अनेबल टू कूल डाउन। वैन हीट स्ट्रोक अकर्स द बॉडी टेम्परेचर कैन राइज टू 104 डिग्री फारेनहाइट और हायर विद इन 10 to 15 मिनट्स। हीट स्ट्रोक कैन काज परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ इफ द पर्सन डज नॉट रिसीव एमरजेंसी ट्रीटमेंट। इसको हम आसान भाषा में समझते हैं, हीट स्ट्रोक को हम सन स्ट्रोक भी कहते हैं। यह गर्मी के कारण होने वाली एक समस्या है। यह तब होती है जब शरीर के तापमान को कंट्रोल करने वाला सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। हीट स्ट्रोक तब होता है जब वातावरण का तापमान इतना ज़्यादा होता है कि शरीर अपने बेसिक टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए पसीना नहीं बहा पाता है। यानी वातावरण का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए, ऐसे मामलों में शरीर में सोडियम और पोटेशियम जैसे तत्वों का संतुलन गड़बड़ा जाता है। हाई कोर टेम्परेचर और नमक का असंतुलन शरीर के अंगों के काम में बाधा डालता है। इसके कई लक्षण नजर आने लगते हैं। पिछली स्लाइड में हमने जाना कि हीट स्ट्रोक क्या है, अब हम समझेंगे हीट वेव के बारे में। हीट वेव क्या है? अ हीट वेव इज एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ अनयूजुअली हॉट वेदर, टिपिकली लास्टिंग फॉर सेवरल डेज और वीक, विथ टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली अबव एवरेज फॉर द रीजन। हीट वेव्स कैन पोज हेल्थ रिस्क एंड आर ऑफन अकंपनी बाय हाई ह्यूमिडिटी। इसको आसान भाषा में अगर हम समझे तो हम कह सकते हैं लू तब लगती है जब हवा में इतनी गर्मी आ जाती है कि व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन इसमें हीट स्ट्रोक की तरह मरीज को बेहोशी या चक्कर आने जैसी समस्या नहीं होती। तो आपको बेहोशी और चक्कर ना आए तब तक तो वो हीट वेव कहलाएगी, और जब बेहोशी या चक्कर आ जाए उसके बाद में वो स्ट्रोक में बदल जाता है। यानी कि हीट वेव फर्स्ट होता है और हीट स्ट्रोक उसके बाद वाला प्रोसेस। तो आइए समझ लेते हैं हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या क्या होते हैं। हीट स्ट्रोक के लक्षण, हीट स्ट्रोक में आपको निम्न लक्षण नजर आ सकते हैं। शरीर का तापमान काफी अधिक होना, 40 डिग्री से भी अधिक, लाल गर्म और ड्राई स्किन होना, पसीना ना आना, लगातार पल्स का तेज चलना, तेज टीस मारने वाला सिर दर्द होना, उल्टी, चक्कर आना, मतली, भ्रम, बेहोशी की हालत। तो ये जो सारे लक्षण हैं वो है हीट स्ट्रोक के। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हीट रिलेटेड इलनेसेस। द बॉडी ट्राइज टू कूल इटसेल्फ बाय स्वेटिंग। हमारी बॉडी जो है अपने आप को ठंडा करने के लिए पसीना बहाती है। हीट रिलेटेड इलनेसेस कैन अकर इफ स्वेटिंग कैन नॉट मीट्स द बॉडीज कूलिंग डिमांड्स। हीट रिलेटेड इलनेस कब होती है? जब हमारी बॉडी जो है वो पसीना जो बहा रही होती है, उस पसीने के द्वारा, बहाने के द्वारा वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो उस डिमांड को फुलफिल न कर पाना ही हीट रिलेटेड इलनेस को क्रिएट करना होता है। तो आइए समझते हैं आगे की रिलेटेड इलनेसेस के बारे में। दिस इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम हीट रिलेटेड इलनेस। फर्स्ट है सीवियर हीट रिलेटेड इलनेस, जिसके अंदर हीट स्ट्रोक आ जाता है। तो हीट स्ट्रोक में क्या कहा जा रहा है, देखिए, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मार्क्ड बाय हाई कोर बॉडी टेम्परेचर एंड CNS डिसफंक्शन रिक्वायर्स रैपिड कूलिंग एंड मेडिकल इंटरवेंशन। डिपेंडिंग ऑन इट्स काज हीट स्ट्रोक कैन बी कैटेगराइज्ड एज एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक अकर्स इन फिजिकली एक्टिव इंडिविजुअल्स, ऑफन आफ्टर इंटेंस एक्सर्जन इन हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस। Develops rapidly due to inadequate hydration and rest,
कॉमनली अफेक्टिंग एथलीट्स, मिलिट्री पर्सनल एंड लेबरर्स। नॉन एक्सटर्नल और क्लासिक हीट स्ट्रोक अराइजेस फ्रॉम अ ब्रेकडाउन इन द बॉडीज टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम, टिपिकली सीन इन द एल्डरली और दोज विथ क्रॉनिक इलनेसेस ट्रिगर्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हॉट वेदर, लैक ऑफ एक्सेस टू कूल एनवायरमेंट्स एंड एम्पेयर्ड थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो पहले हमने देखा सीवियर हीट रिलेटेड इलनेसेस के बारे में, अब हम देखेंगे सेकंड मॉडरेट हीट रिलेटेड इलनेस के बारे में, हीट एग्जॉशन। सिम्टम्स इंक्लूडेड प्रोफाउंड फटीग, वीकनेस, नोजिया, हेडेक और डिजीनेस ड्यू टू वाटर और सॉल्ट डिप्लीशन फ्रॉम हीट एक्सपोजर, माइल्ड एलिवेशन 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इन द बॉडी टेम्परेचर में अकर विदाउट अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। तो सीवियर हीट रिलेटेड इलनेस, मॉडरेट हीट रिलेटेड इलनेस एंड थर्ड वन इज माइल्ड हीट रिलेटेड इलनेस। इसमें फर्स्ट है हीट सिंकोप, ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू वैसोडाइलेशन एंड ब्लड पूलिंग इन द लिम्ब्स एज अ रिजल्ट ऑफ हीट एक्सपोजर। सेकंड है हीट एडिमा, लिम्ब स्वेलिंग ड्यू टू पेरिफेरल वैसोडाइलेशन एंड फ्लूइड पूलिंग इन रिस्पॉन्स टू हीट। थर्ड है हीट क्रैम्प्स, पेनफुल मसल स्पाज्म इन एब्डोमेन, आर्म्स और लेग ड्यू टू सॉल्ट लॉस ड्यूरिंग स्वेटिंग इन हीट। फोर्थ है हीट रैश, इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर फ्रॉम ब्लॉक्ड स्वेट ग्लैंड्स, पोटेंशियली लीडिंग टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आगे हम जानेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीट स्ट्रोक के बारे में। If not treated timely, heat stroke can give rise to a severe complications. अगर heat stroke को time पे treat नहीं किया गया तो कौन कौन सी complications आपके सामने आ सकती है। तो first one is low blood sugar level, आपका blood sugar level कम हो सकता है। Second है acute respiratory distress syndrome, ARDS. Third है heart damage. तो सबसे पहले हम low blood sugar level के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। फर्स्ट वन इज लो ब्लड शुगर लेवल, इट इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज बाई लो ब्लड शुगर लेवल्स एंड कैन अकर एज हीट स्ट्रोक इम्पेयर्स द बॉडीज एबिलिटी टू रेगुलेट ग्लूकोज, दिस कैन लीड टू वीकनेस, कन्फ्यूजन एंड इवन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। सेकेंड है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS। हाई बॉडी टेम्परेचर कैन डैमेज द डेलिकेट लंग टिश्यूज, leading to inflammation and fluid accumulation, making it difficult for the individual to breathe. Third one is heart damage. Heat stroke can disrupt the heart's electrical activity, leading to abnormal heart rhythm or even cardiac arrest in severe cases. Fourth one हम देखते हैं brain damage. हीट स्ट्रोक कैन काज स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, लीडिंग टू न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग सीजर्स, कन्फ्यूजन, मेमरी प्रॉब्लम और इवन कोमा। फिफ्थ वन इज किडनी फेलियर, हीट स्ट्रोक कैन अफेक्ट द किडनीज, लीडिंग टू एक्यूट किडनी इंजरी और फेलियर, डिहाइड्रेशन रिड्यूस ब्लड फ्लो इन द किडनीज एंड डायरेक्ट डैमेज फ्रॉम हीट कैन ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू किडनी प्रॉब्लम। सिक्स्थ वन इज मल्टी ऑर्गन फेलियर, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर्स कैन काज डैमेज टू वेरियस ऑर्गन्स सच एज द ब्रेन, हार्ट, लीवर एंड किडनी। हमने कॉम्प्लिकेशंस देख लिए कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, अब हम समझेंगे कि प्रिवेंशन क्या होना चाहिए हीट स्ट्रोक से। टू प्रिवेंट हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक यू कैन टेक द फॉलोइंग मेजर्स। फर्स्ट वन इज स्टे हाइड्रेटेड, सेकेंड वन इज ड्रेस अप्रोप्रिएटली, लू लगने पर क्या बचाव करने होते हैं। अगर किसी को लू लग जाए तो उसे सबसे पहले पानी पिलाए और शरीर को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें, जिससे लू के असर को कम किया जाए। लू से बचने के लिए धूप में कम से कम निकले, अगर निकल रहे हैं तो छाया या किसी सूती कपड़े से खुद को कवर करके रखें। साथ ही कोशिश करें कि शरीर को ठंडा रखें। गर्मी और लू से बचने के लिए जरूरी है कि हल्के और हवा पास होने वाले सूती कपड़े पहने, इससे पसीना निकलने में मदद मिलती है और गर्मी कम लगती है। अच्छी डाइट के साथ साथ
शरीर के तापमान को बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर आप धूप में कुछ शारीरिक श्रम कर रहे हैं तो बीच बीच में ब्रेक लें और शरीर को रिलैक्स होने दें। लगातार पानी पीते रहें और शरीर को हाइड्रेट रखें। एंड लास्ट वन इज़, गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए? आप जितना हो सके गर्मी के मौसम में अपनी डाइट में सब्जियों में खीरा, लेट्यूस, पुदीना, ककड़ी और फलों में तरबूज, खरबूजा, अनानास, संतरा, स्वीट लाइम आदि अवश्य शामिल करें। इनमें सोडियम और कैलोरी कम होती है, पोटेशियम और विटामिन सी, ए और एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक होते हैं। ये ताज़ा मौसमी फल और सब्जियाँ शरीर को ठंडा रखने के साथ ही पानी की कमी होने से भी बचाते हैं। देखिए, गर्मी में ये फ्रूट्स तो बिल्कुल भी ना खाएं। गर्मी के मौसम में उन चीज़ों का सेवन करने से बचिए जिनकी तासीर गर्म हो। साथ ही रेड मीट, फ्राइड फूड्स, मसालेदार ग्रेवी, कॉफ़ी, एल्कोहल, सिगरेट, हॉल मिल्क खाने से बचें। देर रात डिनर करने से बचना चाहिए। दालचीनी, लहसुन, काली मिर्च, ड्राई फ्रूट्स, घी का सेवन भी कम करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ध्यान रखें अपनी सेहत का और मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो और समझे कि किस तरह से हमें इस गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचने में राहत मिलेगी।